हैं गुयाना, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के संसद को संबोधित कर रहे हैं। कोरोना के बाद जहां एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ना था, दुनिया दूसरी ही चीजों में उलझ गई। इन परिस्थितियों में आज विश्व के सामने आगे बढ़ने का सबसे मजबूत मंत्र है डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। डेमोक्रेसी फर्स्ट की भावना हमें सिखाती है कि सबको साथ लेकर चलो, सबको साथ लेकर सबके विकास में सहभागी बनो। ह्यूमैनिटी फर्स्ट की भावना हमारे निर्णयों की दिशा तय करती है। जब ह्यूमैनिटी फर्स्ट को अपने निर्णयों का आधार बनाते हैं तो नतीजे भी मानवता का हित करने वाले ही होते हैं। साथियों, हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज इतनी मजबूत है कि विकास के रास्ते पर चलते हुए हर उतार चढ़ाव में हमारा संबल बनती है। एक इंक्लूसिव सोसाइटी के निर्माण में डेमोक्रेसी से बड़ा कोई माध्यम नहीं है। नागरिकों का कोई भी मत पंथ हो, उसका कोई भी बैकग्राउंड हो, डेमोक्रेसी हर नागरिक को उसके अधिकारों की रक्षा की, उसके उज्जवल भविष्य की गारंटी देती है। और हम दोनों देशों ने मिलकर दिखाया है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक कानून नहीं है, सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है। हमने दिखाया है कि डेमोक्रेसी हमारे डीएनए में है, हमारे विजन में है, हमारे आचार व्यवहार में है। साथियों, हमारी ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच हमें सिखाती है कि हर देश के नागरिक उतने ही अहम है। इसलिए जब विश्व को एकजुट करने की बात आई तब भारत ने अपने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का मंत्र दिया। जब कोरोना का संकट आया, पूरी मानवता के सामने चुनौती आई, तब भारत ने वन अर्थ, वन हेल्थ का संदेश दिया। जब क्लाइमेट से जुड़े चैलेंजेस में हर देश के प्रयासों को जोड़ना था, तब भारत ने वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड का विजन रखा। जब दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हुए, तब भारत ने CDRI यानी कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का इनिशिएटिव लिया। जब दुनिया में प्रो प्लेनेट पीपल का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करना था, तब भारत ने मिशन लाइफ जैसा एक ग्लोबल मूवमेंट शुरू किया। साथियों, डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट की इसी भावना पर चलते हुए आज भारत विश्व बंधु के रूप में विश्व के प्रति अपने कर्तव्य निभा रहा है। दुनिया के किसी भी देश में
कोई भी संकट हो, हमारा ईमानदार प्रयास होता है कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर वहां पहुंचे। आपने कोरोना का वो दौर देखा है जब हर देश अपने अपने बचाव में ही जुटा था, तब भारत ने दुनिया के 150 से अधिक देशों के साथ दवाएं और वैक्सीन शेयर की। मुझे संतोष है कि भारत उस मुश्किल दौर में गयाना की जनता को भी मदद पहुंचा सका। दुनिया में जहां जहां युद्ध की स्थिति आई, भारत राहत और बचाव के लिए आगे आया। श्रीलंका हो, मालदीव हो, जिन भी देशों में संकट आया, भारत ने आगे बढ़कर बिना स्वार्थ के मदद की। नेपाल से लेकर तुर्की और सीरिया तक जहां जहां भूकंप आए, भारत सबसे पहले पहुंचा है।